उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2015-16 के प्रस्तुत बजट पे के समर्थन पे बोलने का अवसर दिया है। मैं इसलिए समर्थन में नहीं खड़ा हूं कि 2015-16 का जो बजट है, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदन के सम्मानित सदस्य, जो विद्वान सदस्य बोल रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार का ये पहला बजट है और पिछले 10 वर्षों के बजट से और इस 10 महीने के बजट की तुलना की जाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लगातार हमारे सम्मानित साथी कह रहे हैं कि हमने सभी मदों में कटौती कर दी, 10 महीने में कौन सा जादू की छड़ी हो गई, 10 महीने में कौन सा काम कर दिया। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब स्थिति हमको मिली है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आज फाइनेंशियल ईयर में 16.8 लाख करोड़ है और प्राप्तियां कुल सरकार के पास 11.7 लाख करोड़ है। आप सोचिए, 44% रेवेन्यू कलेक्शन का हमारा कम है और इंटरेस्ट जो इन्होंने खर्च किया है वो इंटरेस्ट हमको 4.1 लाख करोड़ हमको पुरानी सरकार के द्वारा जो पैसे लिए गए हैं उसके इंटरेस्ट में देना है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का 37%। मानवर 10 वर्षों में जो बहुत वर्ल्ड की क्राइसिस में जिस तरीके का उन्होंने सस्टेन किया अपनी जीडीपी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी उस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे देश में अगर था तो केवल महंगाई का था और पूंजी निवेश की बात थी कि निवेश हो नहीं रहा था, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो। और उस समय 2013-14 की स्थिति, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिससे एक पैमाना होता है, पूरे देश में दुनिया में चर्चा थी कि भारत में डबल डिजिट महंगाई हो गई, 11.2% की महंगाई उस समय हो गई थी 14 में। और आज 10 महीने में अगर इस सरकार ने 5.1% पे महंगाई दर ले आई है तो निश्चित तौर से सरकार बधाई की पात्र है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जानकारी जितनी मुझे उससे ज़्यादा हमारे माननीय विद्वान सदस्यों को। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 2013-14 के फर्स्ट क्वार्टर में 4.6% जीडीपी का था और आज 10% में, माननीय वित्त मंत्री को बधाई दूंगा कि जो 4.6% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.3% पे लेकर के आए हैं। निश्चित तौर से मैं समझता हूं इससे अच्छा बजट क्या हो सकता है, मैं चर्चा कर सकता हूं। आज उस समय याद करिए कि न डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे न फॉरेन को इनफ्लो हो रहा था, रोज बात हो रही थी रोजगार की। फॉरेन इन्फ्लोज उस समय 2014 के मार्च की बात कर रहा हूं, मई में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, मार्च 2014 में कुल 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट रह गया था भारत में बाहर का, और आज 10 महीने में 55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। निश्चित तौर से हमारी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। जहां जीडीपी 5% से नीचे हो गए थे 2014 में, आज मैं समझता हूं खुले मन से अगर बजट पे चर्चा हो रही तो निश्चित तौर से बधाई देना चाहिए कि आज अगर 7.4% हुई है, 2015-16 में हम 8.5 पे जीडीपी अपनी ग्रोथ रेट लेके जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ये इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। कहते हैं लोग कि मेक इन इंडिया में हमने क्या किया, मैं समझता हूं कि लोग कहते हैं केवल नारा है कि मेक इन इंडिया हमने क्या किया, और मेक इन इंडिया में कौन सा इन्वेस्टमेंट आया। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि शायद इतना तो कह दिया जब हमारे बजट में शुरू किया कि साहब इतने प्रपोजल्स आए, एप्लीकेशंस आई, लेकिन हुआ क्या? आज मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसीव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद ₹25,352 करोड़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हम 10 महीने में 25,352 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम भारत में करेंगे और भारत में मेक इन इंडिया होगा। इसी तरह से मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम में हम 19,057 करोड़ का हमको इन्वेस्टमेंट मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में ईएमसी में मिला है 6,295 करोड़ का मिला है। इसी तरह से इंच टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 1,000 करोड़ हमें मिला है और इसी तरीके से सैमसंग $1 बिलियन कर रहा है जिसमें 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। माइक्रोमैक्स में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 300 फॉरेन फर्म्स और 54 मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए हैं एरो इंडिया के लिए, ये जो ये हमारे इस देश में मेक इन इंडिया के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया नारा नहीं है,
मेक इन इंडिया इस देश की जीवन धारा है जो देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। और आप देखेंगे ये तो 10 महीने की बात है, ये तो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। स्थिति ये नहीं थी कि कोई, मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय 2013-14 का इंटरिम बजट प्रस्तुत हो रहा था, हम लोग भी बैठे थे उस समय, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव यूपीए का बजट था, केवल मैं 3 बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय के जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटिंग से अलवालिया जी, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या कहा था, उन्होंने खुद एडमिट किया था कि डिक्लाइन इन इंडियाज ग्रोथ। मानवर, आई हैव बीन टोल्ड, प्लीज, आई ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू टू बी टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू, बिकॉज़ मेनी मेंबर्स हैव टू स्पीक, यू आर अ सीनियर मेंबर, मेनी टाइम्स यू पार्टिसिपेटेड, अदर मेंबर्स प्लीज ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ। नहीं नहीं, मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि देश के विकास की धारा क्या है। मैं एक मिनट मैं कंक्लूड कर दूं, ये तो बात हुई नहीं। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आई वांटेड टू कंक्लूड विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स, तो आई थिंक सो यू मस्ट बी काइंड एनफ, यू मस्ट बी अलाउड मी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, लगातार ये कहा गया कि हम तमाम विभागों में कटौती कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी क्या है, देश का विकास कनेक्टिविटी से होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एक्चुअल 13-14 का था, 1,39,000 का इनका एक्सपेंडिचर था, और आज हमने उसमें 86% इंक्रीज किया है, 1,93,417 करोड़ देश की सड़कों को बनाने के लिए हम पैसा देने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहां 13,535 करोड़ कांग्रेस यूपीए के 14 में था, आज हमने 19,023 करोड़ 40.54% हमने साइंस टेक्नोलॉजी में बढ़ाया। इंडस्ट्री जिससे रोजगार मिलेगा, मिनरल्स में मिलेगा, उसमें 33,433 करोड़ था एक्चुअल की बात, मैं नहीं कह रहा हूं जो इस्टीमेट्स हो या रिवाइज बजट हो, जो एक्चुअल इन्होंने 14 में खर्च किया 33,433, और हमने 43,113 इस्टीमेट रखा जो बढ़ भी सकता है, ये 28.95%। मैं हेल्थ की बात करके बात खत्म कर दूंगा। आयुष हेल्थ में, मैं समझता हूं जेनरिक मेडिसिन में इन्होंने 554 करोड़ रखा था, आज हमने 690 करोड़ किया है। डिफेंस की सीमाओं पे हथियार नहीं थे, आज हमने उसमें भी 10% 11% बढ़ाया है, 2,46,727 करोड़ किया है। तो स्वाभाविक है अगर बजट नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कहां दिखाई पड़ेगा कि हमने बजट में कहां कहां वृद्धि की है, रोड में किया है, हेल्थ में किया है, साइंस टेक्नोलॉजी में किया है, इंडस्ट्री में किया है, निर्भया फंड में 1,000 करोड़ किया है। इसी तरीके से हमने जो रोड सेक्टर है, रेलवे सेक्टर में बजटरी सपोर्ट दिया है 14,031 करोड़ का, 10,050 करोड़ का, और हमने सोशल सिक्योरिटी में कितना, मैं एक बात कह के खत्म कर दे रहा हूं, सोशल सिक्योरिटी में हमने कितना बड़ा काम किया, मैं केवल एक बात कह के, हमारी तरफ देख लीजिए आप। और इसी सर,